हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से सेज़वान एग फ्राइड राइस। तो चलिए बिना देरी करते हुए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पानी बॉईल हो चुका है और हमने ये बासमती राइस धो के ले लिया है। अब हम इसे स्टोव में डालेंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। हमें इसे 50-70% पकाना है। एक बार इसे करछी से चला लेते हैं वरना नीचे लग जाएगा। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच तेल डालेंगे ताकि चावल हमारा खिला खिला रहे, और आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा राइस एकदम पक चुका है। ज़्यादा हमने नहीं पकाया है, 70% ही पकाया है। और अब इसे ड्रेन आउट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड लिया है और ये एग को तोड़कर हम एक बोल में डालेंगे और इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। आप अपने हिसाब से एग और नमक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड लिया है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप इसे डायरेक्ट कढ़ाई में भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा इजी रहता है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अब मैंने ये कढ़ाई गरम करके ले लिया है। इसमें 2 चम्मच तेल डाला है और आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड किया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। यहाँ पे लहसुन को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है। लहसुन हल्का फ्राई हो जाने पर हम ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज ऐड किया है। हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटा हुआ टमाटर। मैंने छोटा टमाटर लिया है। टमाटर आप स्किप भी कर सकते हैं, मुझे टमाटर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए गाजर ऐड करेंगे। इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। दोस्तों यहाँ पे आप बाकी वेजेस भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि बीन्स, कैबेज एंड कैप्सिकम। तो गाजर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे व्हाइट एंड ग्रीन और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये अब हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब हमने कढ़ाई गर्म करके ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फेंट के रखा हुआ था एग। अब हम इसे स्क्रम्बल कर लेंगे अच्छे। आप ये वेजेस के साथ भी ऐड कर सकते हैं। वेजेस साइड करके बीच में ऐसे एग को स्क्रम्बल कर सकते हैं। मैं ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैं इसे अलग से स्क्रम्बल कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, हमने एग स्क्रम्बल कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच सेज़वान सॉस और 1 से 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप एंड 1 स्पून सोया सॉस। अब इसे हम इवनली मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स करीबन आधी छोटी चम्मच और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें सारे वेजीज ऐड करेंगे और इसे भी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइस भी रेडी है। तो अब हम इस मिक्सचर में राइस ऐड करेंगे। तो अब इस राइस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। क्वांटिटी के अनुसार हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे ऑरेगानो से।
जिससे कि बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियंस। तो दोस्तों, ये हमारा बनकर तैयार है सेज़वान एग फ्राइड राइस। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कितने आसानी से सेज़वान एग फ्राइड राइस बनकर तैयार है। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।